जैनब है और जैनब ऐसा थ्री पॉइंट फाइव ईयर ओल्ड और जब भी हमारे पास आई थी तो इनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं थी सो so, कम्पलीटली ऐसे था कि साउंड्स थी तो साउंड्स पे हमने जब इनकी बिल्डअप करना शुरू किया इस पर काम करना शुरू किया तो अब साउंड से अब हमारे पास वर्ड्स डेवलप होने शुरू हुए हैं तो ऐसा था कि ये हर बात अपनी इशारे में करती थी तो कम्युनिकेशन बिल्कुल जेस्ट्रल थी अब हम इनकी वर्बल कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं कि अल्फाज की अदायकी पे काम कर रहे हैं उसकी फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं एक साउंड की दूसरी साउंड की ट्रांजिशन पे काम कर रहे हैं तो उसमें हम में अब फर्क दिख रहा है और जैसे कि अगर कोई भी चीज़ बोल कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमने इनको ये चीज़ सिखा रहे हैं कि पैटर्न डेवलप करवा रहे हैं कि बोल के आपको चीज़ मांगनी है जब हमने अपनी थेरेपी स्टार्ट करी थी तो शुरू के हमारे थ्री फोर सेशंस काफी स्ट्रगल में थे स्ट्रगल हम इस तरीके से कहेंगे कि काफी क्राइंग बिहेवियर था काफी ये चीज थी कि हमें हैप्पीली हम काम नहीं करना था क्योंकि ऑब्वियसली हम एक डिमांड इन कर रहे थे कि आपको जो भी चीज चाहिए वो आपको बोल के मांगनी है क्योंकि अभी इससे पहले हमारे पर कोई डिमांड नहीं डाली जा रही थी हमें हर चीज फ्रीली मिल रही थी तो अब ये कि एकदम से क्यों बोलने का बोला जा रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रगल थी बट वंस अब ये है कि अब वो हम मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई हैं अब उसको पता चल गया है कि उसका एक पैटर्न बिल्ड अप कर दिया हमने एक स्ट्रक्चर के थ्रू कि बोलेंगे तो हमें एक चीज़ मिलेगी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेपिटेशन हमने बढ़ा दी तो उसके थ्रू जो है हमें अब काफ़ी फ़र्क दिख रहा है Rabbit, rabbit, good try, rabbit in. General, cow? yeah. Cowsys? Cowsys? No. Good job. हमारी रिकमेंडेशन एज अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट ये होती हैं कि बच्चे के साथ आप जितना इंगेजिंग रहेंगे और जनरलाइज एन्वायरमेंट में जितना जनरलाइज एनवायरमेंट से मतलब ये है कि घर का एन्वायरमेंट हो गया स्कूल का एनवायरमेंट हो गया पार्क ले गए मॉल्स ले गए तो जितने इस एनवायरमेंट में हम इंगेज रहेंगे बच्चे के साथ उतनी उसकी बच्चे की कम्युनिकेशन बेहतर होती है